Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Our Soulful Travel. और आज मैं आपको ले चलूँगी लद्दाख के सबसे सुंदर जगह पर, जो कि है नुब्रा वैली। आपने बहुत कुछ सुना होगा नुब्रा वैली के बारे में और आप यहाँ आना भी चाहते होंगे। मैंने भी बहुत कुछ सुना था नुब्रा वैली के बारे में कि यहाँ का वेदर बहुत ही एक्सट्रीम होता है और रोड कंडीशंस बहुत ही ख़राब होते हैं, पर मुझे तो नुब्रा वैली का रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल और एडवेंचरस लगा और आई एम श्योर आप भी बहुत ही इंजॉय करेंगे। अगर आप लेह से नुब्रा वैली की तरफ जा रहे हैं तो ये करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको करीब 6 से 7 घंटे लग जाएंगे नुब्रा वैली पहुंचने पर, अगर आप बाय कार जा रहे हैं तो। हम लोगों ने काफ़ी सुना था कि रोड कच्चे पक्के होते हैं, कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और स्पेशली जिस तरह की हमारी गाड़ी थी, हम सेडान के अंदर आ रहे थे, जो हमारी ग्राउंड क्लियरेंस थी वो इनफ नहीं थी, तो हमें लगा क्या पता हम लोग मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और लेकिन मुझे इतना तो पता था कि बाकी अगर नॉर्मल कार आ रही है और उसी रूट में जा रहे हैं सब लोग, तो किसी न किसी तरीके से तो वो लोग भी निकल रहे होंगे। एंड मैंने ये भी सुना था कि रोड भी काफ़ी अच्छे बन चुके हैं, सो इन अ वे आई वॉज लाइक वी वर लाइक 50-50। हमें समझ आ रहा था कि शायद हम लोग कर लेंगे, तो हम गए उस रूट के अंदर। तो वी स्टार्टेड ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम ले, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने ये सुना था कि वहाँ पर जो वैली क्रॉसिंग्स है, जो रिवर क्रॉसिंग्स होती हैं, वहाँ पे पानी का जो बहाव होता है, वो पानी का बहाव दोपहर से पहले जब स्नो मेल्ट होती है तो उसमें पानी का बहाव तेज़ हो जाता है। तो हमने सोचा अगर हम जल्दी जल्दी आफ्टरनून से पहले अगर हम लोग क्रॉस कर लेंगे उन रिवर क्रॉसिंग्स को, तो हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंटली आसान हो जाएगा। सो दैट वॉज द आइडिया सर, एंड दैट इज़ द रीज़न वी लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम लोग जल्दी निकल गए, बाकियों के साथ निकले, बहुत सारी गाड़ियाँ आगे भी थी, बहुत सारी गाड़ियाँ पीछे भी थी, कमर्शियल व्हीकल्स। सो मतलब इट वॉजेंट अ रूट बेसिकली जहाँ पे आप ये सोचोगे अगर मैं फंस गया रास्ते में तो मेरा क्या होगा। लोग रहते हैं आगे, लोग पीछे रहते हैं, गाड़ी रहती है, बाइक्स रहती है, कमर्शियल व्हीकल्स रहते हैं, सो इट इज़ अ बिजी रूट। बट एट द सेम टाइम इतना कच्ची पक्की सड़कें भी नहीं है, अच्छी थी, एडवेंचरस थी, मज़ा आया। कुछ पॉइंट्स थे उस रूट के अंदर कि हमें लगा कि हाँ यार गाड़ी हमारी फंस ना जाए, किसी को धक्का मारने के लिए ना बनवाना ना बुलाना पड़े। सो बिकॉज आई वॉज देयर एंड देर टू अदर पीपल, बोथ वर लेडीज, एंड मैंने यही सोचा था कि कहीं पे धक्का ही से लगवाना ना पड़ जाए, सो दैट वॉज द ओनली कंसर्न। बट अदर देन दैट इट वॉजेंट अ वेरी चैलेंजिंग रूम, इवन इफ यू हैव अ कार विच इज़ नॉट वेरी यू नो हैवी है, जिसका ज़्यादा बहुत ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, दैट कैन ऑल्सो मेक इट थ्रू। बट थोड़ा सा संभल के हम लोगों ने चलाया था, आपको भी थोड़ा सा संभल के चलाना पड़ेगा। एंड जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन कि थोड़ा आफ्टरनून से पहले अगर निकलोगे आप भी, सो इट वुड बी अ गुड आइडिया। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू कैरी इनफ पेट्रोल एट ले, बिकॉज यू विल नॉट गेट एनी पेट्रोल पंप इन बिटवीन, एंड द नेक्स्ट पेट्रोल पंप वुड बी एट खलसर, विच इज 10 किलोमीटर्स बिफोर नुब्रा वैली। सीधा अगर आपको नुब्रा वैली पहुँचना है, सो जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो टैंक है वो फुल हो। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी कर लो, बिकॉज उसके बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। नॉट दैट इट इज़ वेरी लॉन्ग, बट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट यू नो ऑन हाफ अ टैंक और समथिंग, सो इट कुड बी अ प्रॉब्लम। सो हम लोग भी जब निकले थे, हम लोगों ने टैंक फुल करवा लिया था, और वहाँ भी हम लोग पहुँचे तो हम लोगों ने वहाँ पर भी टैंक फुल करवा लिया। तो हैविंग इनफ पेट्रोल इज समथिंग विच इज़ वेरी क्रूशियल इन लद्दाख ऑल टुगेदर। लेह से कुछ घंटे बाद खारदुंगला पास आता है, जो कि है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। आप यहाँ रुक सकते हैं एक छोटे से टी ब्रेक के लिए, और टी ब्रेक के तुरंत बाद आप यहाँ से आगे बढ़ें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं है। नुब्रा वैली से कुछ किलोमीटर पहले आता है खलसर, जिसकी पहचान है सफ़ेद रेत, और आप यहाँ पे ATV राइड भी कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 1000 से 1200 के बीच में होगा। सो जब हम लोग जा रहे थे नुब्रा के तरफ, तो खलसर से हमें कंपलसरी लेफ्ट लेना था डिस्ट्रिक्ट के तरफ,
तो जो खलसर पे जो एक स्ट्रक्चर बन रहा था वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बन रहा था। अब मुझे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है किसके लिए वो स्ट्रक्चर बन रहा था, बट आई थिंक इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू द इंडियन आर्मी, आई कुड बी रॉन्ग। बट जो लोग से हमको बात करके मुझे ये समझ में आया कि वो लोग इस उसी चीज़ का जो इनॉग्रेशन करने वाले थे उस दिन शाम को। तो जब मैंने उसको देखा जो स्ट्रक्चर को, मुझे ये समझ में आया कि वहाँ पे जो सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो लोग हैंड पेंट करते हैं उन सब चीज़ों को, दे यूज़ पेंट्स ऑफ गोल्ड एंड वाइब्रेंट कलर्स। एंड यहाँ के कोई भी मैंने मॉन्यूमेंट में दिल्ली में और दूसरे जगहों पे आसपास जो है नॉर्थ दिल्ली के अंदर उस तरीके के जो डिज़ाइन उस तरीके का पेंटिंग उस तरह का हैंड पेंटिंग हैंड क्राफ्ट्समैनशिप नहीं देखी है। सो वो मेरे लिए बहुत यूनिक था, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस यू नो नॉर्थ इंडियंस टू एक्सपीरियंस सच अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट टू बी पेंटेड राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। खलसर से श्योक रिवर की ओर आता है डिस्ट्रिक्ट विलेज, जिसकी पहचान है डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री, जो कि 32 मीटर की बुद्धा स्टैचू है जो काफ़ी दूर से ही नज़र आ जाता है। आपने इतना बड़ा बुद्धा स्टैचू नहीं देखा होगा जो इतना बड़ा और भव्य लगता है। डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री से पूरा नुब्रा वैली दिखाई देता है जो कि इतना सुंदर लगता है जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री से आपको लच्छम मॉनेस्ट्री भी दिखाई देगा और अगर आप चाहें तो वहां भी जा सकते हैं। एंड सबसे कमाल की बात तो ये है अबाउट दिस स्टैचू कि ये इतना ह्यूज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया हम लोग आगे का जब निकले थे एक और मॉनेस्ट्री की तरफ, लच्छुन मॉनेस्ट्री उसको बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग रुके और हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पे ना ओल्ड मॉनेस्ट्री भी देखी। वहाँ पे द भिक्षुज वर काइंड इनफ टू गिव अस अ टूर, हम लोगों ने वहाँ पे देखा, उन्होंने हमको बताया जो लाइफ साइकिल्स होती है अकॉर्डिंग टू जो बुद्धिस्ट कल्चर जो ट्रेडिशन है उसको, जो मान्यता है उनकी, उनके गॉड्स के बारे में हमको उन्होंने बताया। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव तरीके से हमको उन्होंने टूर कराया, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड जब हम लोग रिलैक्स कर रहे थे वहाँ पे उनके कैफेटेरिया के अंदर, जहाँ पे उन लोगों ने हमको फ्री ऑफ चार्ज उन्हें हमें बटर टी सर्व करी एंड कुछ और रिफ्रेशमेंट दिए, हम जब वहाँ पे बैठे और जब मैंने लेफ्ट को देखा तो वहाँ पे अगेन वो बुद्धा स्टैचू दिख रहा था मेरे को। वी वर एट अ एलिवेटेड प्लेस बट वहाँ से मैंने देखा वो बुद्धा स्टैचू इतना बड़ा है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो पूरे डिस्ट्रिक्ट एरिया है उसके अंदर भी इतना प्रोमिनेंटली दिख रहा है वो जो स्टैचू है। सो इट इज़ क्वाइट अ व्यू, कुछ मैंने फोटोज और वीडियोस हम लोग लगा रहे हैं उसके लिए, आप एक बार देख के खुद जज करो कितना ब्यूटीफुल है वो स्टैचू। डिस्ट्रिक्ट से 8 किलोमीटर की ओर आता है हुंडर। हुंडर को लद्दाख का राजस्थान भी कहा जाता है, बस फर्क है कि यहाँ आपको सफेद रेत मिलेंगे जो कि ऊंची और सुंदर पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। यहाँ आप कैमल सफारी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डबल हम कैमल मिलेंगे, इन्हें बैक्टेरियन कैमल भी कहा जाता है, जो जिनका हाइट छोटा होता है और वो दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये राइड 15 मिनट की होती है जिसका कॉस्ट 300 रुपये है। कैमल सफारी के अलावा आप यहाँ आर्चरी और साइकिलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप रेत पर बैठकर सनसेट का मज़ा भी ले सकते हैं, जो कि बहुत अनोखा होता है क्योंकि काफ़ी देर में सनसेट होता है, करीब 8 बजे के आसपास। एट द सेम टाइम लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जिस वजह से उसको नुब्रा वैली बोलते हैं, डेजर्ट के अंदर से एक वैली निकलते हुए आती है और उसमें बहुत ठंडा पानी होता है एंड वो अपने आप में एक यूनिक फीचर है, डेजर्ट के अंदर वैली, नुब्रा वैली जिसे बोलते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वी डिड नॉट गेट इनफ टाइम कि हम लोग वहाँ पे बैठ के उस वैली के अंदर पैर डुबा सके, बट लोग कर रहे थे, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बट वॉट वी डिड इज दैट हम लोग ड्यून्स पे बैठे एंड जब तक सन नहीं ढल गया हम लोग वहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर रहे थे एंड इट वॉज वेरी प्रीटी।
पता नहीं रेड सैंड के अंदर किस तरीके से लगता है शाम को बैठ के, आई एम श्योर वहाँ भी कूल होता होगा, लेकिन जो वाइट सैंड होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है बैठने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए। एंड वन मोर थिंग विच वॉज यूनिक आई थिंक इज जो सनडाउन था, वो सनडाउन ऑलमोस्ट 8 बजे तक नहीं हुआ था रात के, सो वो अपने आप में एक बहुत यूनिक फीचर था। हमको लगा कि हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचेगा, लेकिन वी हैड इनफ टाइम तो वो सब करने के बाद देन वी हेडेड होम। सो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक पैंगोंग के पास सबसे बेस्ट जो नेक्स्ट बेस्ट एक्सपीरियंस था हमारा वो यहीं पे था, डिस्ट्रिक्ट में नुब्रा में हुंडर पे। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे।